तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस सोएब शो। तो यार, पहले जब हमने स्टार किड्स का रोस्ट किया तो आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, तो मैं आ चुका हूँ फिर से एक बार और स्टार किड्स का रोस्ट पार्ट टू लेके। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पहले वाले स्टार किड्स के रोस्ट में हमने वरुण धवन, सोनम कपूर और टाइगर श्रॉफ के बारे में बात की थी। तो अभी तक आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हुए बिना किसी देरी के। तो यार, बॉलीवुड में कुछ ऐसे नेपोटिज्म के प्रोडक्ट है जिन्होंने अपने पापा का नाम रोशन किया है, जैसे कि ऋतिक भाई। अबे वो सरनेम की वजह से रोशन है। पर यार, वहीं कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी हैं जिनकी जब मूवी आती है तो सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि उनके खुद के घरवाले भी उसे बॉयकॉट करते हैं, क्योंकि उनकी एक्टिंग देख के घरवालों को अपने ही प्रोडक्ट पे डाउट होता है। तो उन्हीं में से एक नेपोटिज्म का प्रोडक्ट है अर्जुन कपूर। अर्जुन कपूर को बॉलीवुड का सुस्त मुर्गा भी कहा जाता है, क्योंकि ये इतना सुस्त है कि पैदा होने के बाद डॉक्टर को बोला कि यार क्यों बाहर निकाला, मैं अच्छे से अंदर आराम कर रहा था। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। फिर बाहर आके जब इसने बॉनी कपूर का चेहरा देखा तो बेचारे के होश उड़ गए, क्योंकि उसको समझ आ गया था कि करीना और सोनम के खानदान में पैदा हुआ है। मतलब कि अर्जुन कपूर को पता चल गया था कि दिमाग के तो लौड़े लग चुके हैं। और दूसरा ये कि बाहर आके अब इसको एक्टिंग करनी पड़ेगी, जो कि इसको आएगी नहीं करनी। अर्जुन कपूर इतना सुस्त है कि उसे मूवी में अलग अलग एक्सप्रेशन देने में भी जोर आता है, इसलिए वो एक ही एक्सप्रेशन में पूरी मूवी निकाल देता है। एक मूवी तो क्या, एक ही एक्सप्रेशन में उसने अपने पूरे करियर की मूवी निकाल दी। बॉलीवुड में एक मूवी जब फ्लॉप होती है तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन ऊपर वाले ने अर्जुन कपूर को ऐसे टैलेंट से नवाजा है कि ये अकेला ही मूवी की मात चोद देता है। यार, लोग एक अर्जुन को नहीं देख पाते थे, लेकिन इसने एक मूवी बनाई जिसका नाम था मुबारक। पहले तो जिसने भी अभी तक ये मूवी नहीं देखी उनको मेरी ओर से मुबारक। तो इस मूवी में इसने डबल रोल किया था और दो कैरेक्टर में से एक का नाम था करण और दूसरे का नाम था चरण। अब मूवी में जो चरण था वो तो बताया था चूतिया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो करण था वो महाचूतिया था। वैसे मूवी में एक सरदार बताया था, इसलिए लोगों को पता चल गया कि ये डबल रोल कर रहा है, नहीं तो इसकी एक्टिंग देख के कोई नहीं बोल सकता था कि ये डबल रोल है। लोग डबल रोल वाली मूवी को सिंगल रोल समझ के पूरी देख लेते हैं। कुछ भी। फिर इसने मूवी की पानीपत, I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। मतलब लोगों ने जोधा अकबर, बाजीराव मस्तानी और पद्मावत देखने के बाद एक और पीरियोडिक मूवी देखना चाहते थे, और पानीपत से अच्छी स्टोरी उन्हें मिल कहां सकती थी। पर जब सबने पानीपत का ट्रेलर देखा और उसमें अर्जुन कपूर को देखा तो सबने बस यही कहा, ये तो टट्टी है। चलो मूवी में कुछ इसकी डायलॉग डिलीवरी बता देता हूँ आपको। इस धरती के मिट्टी के एक कण के लिए भी मरने को तैयार हूँ, अब हमारे बीच सिर्फ पानी पर की रण। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया साला। इससे अच्छी डायलॉग डिलीवरी तो गली के बच्चे की होती है। देखो, यार अर्जुन कपूर की एक्टिंग को अगर दीपक कलार की एक्टिंग से कंपेयर किया जाए ना तो दीपक कलार ऑस्कर विनिंग एक्टर जैसा लगता है। आंख दिखाता है मदर जादू का, आंख दिखाता है मदर जात, फोड़ी डालूंगा साला। इस धरती के मिट्टी के एक कण के लिए भी मरने को तैयार हूँ। कौन है? ओ, तुम, मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, और अभी तुम क्या लेकर आए हो? मैं आपके लिए फूल लाया हूँ। तुम बिल्कुल झूठे हो। यार अर्जुन कपूर की एक्टिंग देख के मैं ये भी डायलॉग नहीं मार सकता। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद, तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह, क्योंकि उसके लिए ओवर एक्टिंग भी करनी पड़ती है, इससे वो भी नहीं होती। इतनी घटिया एक्टिंग करने के बाद भी इसे मूवी मिलती रहती है। अर्जुन कपूर की एक मूवी थी हाफ गर्लफ्रेंड, जो कि पहले सुशांत को मिलने वाली थी, लेकिन इन नेपोटिज्म के दल्लों की वजह से वो मूवी इसके पास चली गई। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। और यहाँ ये कोई नहीं बोल सकता कि अर्जुन कपूर को मूवी टैलेंट की वजह से मिली, क्योंकि सबको पता है कि भाई साहब टैलेंट अर्जुन कपूर के अंदर है नहीं, और सुशांत का और अर्जुन का कोई कंपैरिजन है नहीं। तो इसने यार इस मूवी की भी गांड मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भाई अर्जुन को जब नेपोटिज्म के बारे में पूछा गया तो उसने ये कहा, अरे ये सबसे जरूरी चीज, हम ऑडियंस के लिए पिक्चर बनाते हैं, एट द एंड ऑफ द डे ऑडियंस डिसाइड करती है वो हमें बार बार देखना चाहती है या नहीं देखना चाहती। तो कोई भी यहाँ पे किसी के वजह से आ जरूर सकता है, लेकिन टिक नहीं सकता। वो टिकता अपने बलबूते पे, अपने काम के नतीजे से है, और उस वजह से। चुप, बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? भोसड़ी के मादर चोद, बहन के लोड़े, मच्छर की झाट, गांडू मक्की चूत तेरी, टट्टों के सौदागर।
अबे साले जितने फिल्म तूने की है उससे ज्यादा तूने फ्लॉप मूवी दे चुकी है। अब और ऑडियंस तुझे कैसे बताए कि तू नहीं पसंद उन्हें? यार तुझे मूवी अभी तक इसलिए मिल रही है क्योंकि तेरे नाम के पीछे कपूर हैं। अगर तेरा सरनेम कपूर नहीं होता ना तो भोजपुरी इंडस्ट्री भी तुझे लात मार के बाहर निकालती। थोड़ी तो शर्म रखो, एक तो तू कपूर खानदान का होने के बाद भी इतना बड़ा फ्लॉप बन गया, ऊपर से और मूवी किए जा रहे हैं। लॉकडाउन में जब लोग घर से बाहर नहीं जा रहे थे, लोग परेशान हो गए थे घर में बैठ के, तो सोनम कपूर के भाई होने के नाते इसने भी अपना चूतिया पर ट्विटर पे दिखाने का फैसला किया और इसने ये ट्वीट किया। अबे जितने लोगों की मौत कोरोना से नहीं हुई ना, तेरी मूवी देखने के बाद उससे ज्यादा लोगों की मौत हो जाती। पुराने टाइम में एक मुजरिम को सजा दी जाती थी काला पानी की सजा, जो कि सबसे भयंकर होती थी, लेकिन अब उसको भी बदल लिया गया है क्योंकि उससे भी खतरनाक कुछ आ चुका है और वो है अर्जुन कपूर की मूवी। अब अर्जुन कपूर नेपोटिज्म का प्रोडक्ट है और इसके गुरु है सलमान भाई, तो भाई कांड तो ये भी करेगा, तो खुद को सलमान का फैन बता के ये सलमान की भाभी को ले गया, जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद। सही खेल गया वैंच। और अब कल दोनों अर्जुन कपूर और मलाइका कोविड पॉजिटिव आए। कुछ तो गड़बड़ जरूर है अभिजीत। चलो अब बात करते हैं दूसरे नेपोटिज्म के प्रोडक्ट की, यानी कि उदय चोपड़ा से भी ज्यादा बड़े कलंक की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सोहेल खान की। Wait a minute. यारे सोहेल खान यानी के सलमान खान का भाई। तो यार मूवी की मां चोदने में सोहेल खान अर्जुन कपूर का भी गुरु है, क्योंकि जिस मूवी का हीरो अर्जुन कपूर होता है वो मूवी फ्लॉप होती ही है, लेकिन जिस मूवी में अगर सोहेल खान एक मिनट भी आ जाए वो मूवी तो महा फ्लॉप होती है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। सोहेल खान दुनिया का वो पहला इंसान है जो स्टार किड होने के साथ साथ एक्टिंग में तो महा फ्लॉप है ही है, साथ ही साथ वो प्रोड्यूसर भी महा फ्लॉप है। जब लोग ऐसा बोलते थे कि सलमान के दिन अच्छे चल रहे, अगर सलमान सिर्फ मूवी में आके खड़ा भी रहे ना तो उसकी मूवी ब्लॉकबस्टर हो जाए, तब भी अगर उसकी मूवी में सोहेल खान का नाम आ जाता ना तो वो मूवी फ्लॉप होती है, और अगर सोहेल मूवी में आके एक दो मिनट एक्टिंग कर लेता ना तब तो वो मूवी ब्लॉकबस्टर होती फ्लॉप की। सारे स्टार किड्स खुद के लिए कलंक होते हैं, लेकिन ये अपने भाइयों के लिए कलंक है, क्योंकि इतिहास गवाह है जब जब सोहेल खान किसी मूवी में आया है उस मूवी को फ्लॉप होने से कोई नहीं रोक पाया है। अरबाज खान दबंग 1 और दबंग 2 बना के पैसे कमा रहा था, पर सोहेल को ये बात पसंद नहीं आई, इसलिए सोहेल ने क्या किया, दबंग 3 में एक मिनट का रोल किया और दबंग 3 के लौड़े लग गए। सही खेल गया वैंच। एक बार सोहेल ने मीडिया रिपोर्टर को गाली दे दी, मतलब कुछ भी हो एटीट्यूड बंदे में अभी भी है। अबे ये बात तो तू सही तरीके से भी बोल सकता था, पर नहीं, इनको तो गालियां देनी। और जब सलमान से इसके बारे में पूछा गया तो उसने ये कहा, I don't think he misbehaved. I don't think he misbehaved. Just the other day, I was coming up from the airport. One journalist, you know, kept the mic in my friend's face, and so he just moved the mic, and he said, "What's wrong with you, idiot?" So I took a look at him and said, "And my dad is 80 something." अगर यही कोई और करता ना तो भाई ज्ञान चोदने आ जाते, पर नहीं, यहाँ तो खुद के भाई की बात हो रही है इसलिए भाई सपोर्ट करेंगे ही। और ये क्या बोल रहा है कि हम जैसे यंग, यार कोई इसको अपनी एज याद दिलाओ। एक बार सोहेल खान ने फ्री की अली के प्रमोशन के टाइम ये कहा, इफ नवाज वर्क हार्ड फॉर 3 years ही कैन डू व्हाट ऋतिक डज, बट इवन इफ ऋतिक वर्क फॉर 10 years ही वॉन्ट बी एबल टू डू व्हाट नवाज डज। वाह भाई, मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ऋतिक से ही क्यों कंपेयर किया, तेरे घर में भी तो एक एक्टर है, क्योंकि इसको पता है कि सलमान का और नवाज का कोई कंपेरिजन ही नहीं है, और नवाज बिना मेहनत किए सलमान से अच्छी एक्टिंग करता है, और सलमान जिंदगी भर भी मेहनत करे ना तो नवाज की एक्टिंग का एक बूंद भी नहीं बन सके। तो यार आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करना, शेयर करना इसको अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना।